बहुत ज़्यादा लोगों को अपने लैपटॉप या पीसी पे एक परेशानी होता है जो है विंडो पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग। तो बहुत ज़्यादा ऐसे काम पड़ जाता है हमको जहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग की ज़रूरत पड़ता है, जैसे कि कोई सा भी फंक्शन को हमें रिकॉर्ड करने के लिए रखना चाहिए और कुछ जगह पे हम उसको स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते लेकिन स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और कुछ टाइम होता है जैसे कि हम कोई सा प्रोजेक्ट करते हैं, उसको हम कैसे किए दूसरों को दिखाने के लिए भी हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हैं। और कुछ जो यूट्यूबर होता है या कोई ब्लॉगर होता है वो भी अपने काम को यूट्यूब में छाड़ने के लिए ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग का यूज करते हैं। तो हमारे गूगल में बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन है जिसके साथ आप फ्री में स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, लेकिन कुछ का जो प्रो वर्सन है वो हमसे कुछ चार्ज करते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी ऐप के बारे में बताऊंगा जहाँ पर आप फ्री में अनलिमिटेड टाइम तक अपने स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये जो ऐप्स है एक्चुअली क्या करते हैं कि कुछ टाइम तक ये फ्री में रिकॉर्ड करने के लिए देते हैं, लेकिन 3-4 मिनट के बाद अगर आप कोई सा भी ऐप यूज कर रहे हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने के लिए, 3-4 मिनट के बाद अगर आप रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो वो आपको पूछता है कि आपको प्रो वर्सन लेना पड़ेगा। लेकिन आज मैं जिस आपको बारे में बता रहा हूँ वहाँ पर ऐसा कोई चीज़ नहीं, सिर्फ आपको एक लॉगिन करना है अपने जीमेल आईडी से एंड आपका काम खत्म हो गया। उसके बाद आप जितने भी टाइम चाहे उतने टाइम का स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं अपने विंडो और या अपने पीसी से। तो ज़्यादा भाषणबाजी बंद करते हैं, सीधा चलते हैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे और आपको बताते हैं कि ये जो ऐप है इससे आप कैसे अपने स्क्रीन तो रिकॉर्डिंग मैं कर जो आप सकते बोल हैं। रहा था वो है स्क्रीन रेक ऐप। तो आपको गूगल में जाना है सीधा और उसके बाद टाइप करना है screenrec.com। उसके बाद जो पहला साइड है वो ओपन हो जाएगा जिसका कि इंटरफेस ऐसा होगा। और यहाँ पर देखिए डाउनलोड फ्री का ऑप्शन होगा, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए विंडो एंड लाइनक्स ओएस एंड मैक ओएस, कोई सा भी आपका लैपटॉप है ये काम करेगा। तो हमारा ये विंडो 10 है तो यहाँ पर हम गेट स्क्रीन रेक फॉर फ्री को क्लिक करेंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर डाउनलोड स्टार्ट हो गया है, ये 186 KB का एक फाइल डाउनलोड होगा। उसके बाद जब इंस्टॉल होगा तो वहाँ पर 107 MB का एक फाइल भी डाउनलोड होगा। तो मैंने ये आप डाउनलोड करके रखा है, तो इस तरह से आप इसको सीधा जाके ओपन करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं चलता हूँ मेरा डेस्कटॉप की स्क्रीन पे। तो यहाँ पर देखिए ये जो ऐप है ये है वो स्क्रीन रेक ऐप। तो जब आप उसको ओपन करेंगे तो आप नीचे भी देख सकते हैं एक ऑप्शन आ जाएगा ऐसे, ये जो ऑप्शन है ये स्क्रीनशॉट लेने के लिए, यहाँ पर हम स्क्रीन रिकॉर्ड करने का ऑप्शन है, यहाँ पर जितने भी आप क्लिक किए वो सब दिखाएगा और ये है सेटिंग। तो यहाँ पर सेटिंग के क्लिक करने से ये जो विंडो है ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सबसे पहले ये आपको बोल रहा है कि लॉगिन करने के लिए। लॉगिन कैसे करेंगे, सिर्फ आपको यहाँ पर लॉगिन पे क्लिक करना होगा और यहाँ पर आपका जो ईमेल आईडी है ये आपको देने के लिए बोलेगा और उसके बाद लॉगिन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये है माइक्रोफोन इनपुट इनवॉइस, मतलब आप अगर कोई भी सभी माइक्रोफोन यूज करेंगे तो यहाँ पर ये ले लेगा, और अगर आप सिंपली अपना कंप्यूटर का माइक यूज करेंगे तो यहाँ पर ये है माइक्रोफोन हाई डेफिनेशन ऑडियो डिवाइस, जो भी आपका कंप्यूटर का माइक है वो दिखाएगा। उसके बाद रिकॉर्ड सिस्टम इन ऑडियो ये है, उसके बाद रिकॉर्ड इन HD, इसको हमेशा आप ऑन करेंगे तो आपका जो क्लैरिटी है वीडियो का वो अच्छा आएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर है शॉर्टकट स्टार्ट और स्टॉप कैप्चर, मतलब आप स्टार्ट करने के लिए एंड स्टॉप करने के लिए जो कीबोर्ड का शॉर्टकट की यूज करेंगे उसको आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। मैं रिकमेंड करूँगा जो है उसको रहने दीजिए, Alt+A है S है। और एक चीज़ ध्यान रखिए, इंस्टेंट शेयर लिंक एंड यूज ए प्रॉक्सी सर्वर, इन दोनों को हमेशा ऑफ रखिए। अदरवाइज इसको जब हम रिकॉर्ड करेंगे उसके बाद डाउनलोड मतलब सेव करने के लिए जो ऑप्शन आएगा, इन दोनों को अगर ऑन कर देंगे तो ये वाला ऑप्शन नहीं आएगा। तो इतना ही सेटिंग है, सिंपल सा सेटिंग है। तो यहाँ पर लॉगिन करने का क्यों ज़रूरी है, लॉगिन अगर नहीं करेंगे तो आपका जो रिकॉर्ड करेगा 2-3 मिनट के बाद वो ऑटोमेटिकल ऑफ हो जाएगा। अगर लॉगिन कर लेंगे तो आप अनलिमिटेड टाइम तक इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं अभी एक डेमो करके दिखाता हूँ, देखिए
यहाँ पर जो नीचे जो ऑप्शन है, यहाँ पर देखिए जो वीडियो वाला जो ऑप्शन है उसको हम क्लिक करेंगे तो सीधा स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए ये जो देखिए आप कोई सा भी जगह को आप चूज करेंगे। मैं पूरा जो ऑप्शन है पूरा, मैं यहाँ पर पूरा जो जगह है मेरा विंडो का उसको हम चूज करेंगे। उसके बाद देखिए 3, 2, 1 और मेरा रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया है। तो हम यहाँ पर कुछ भी करेंगे, यहाँ पर देखिए लेट इतना ही मैं वीडियो को शूट करना चाहता हूँ। उसके बाद आप ऑल्ट एस दबा के वीडियो को स्टॉप कर सकते हैं। देखिए मेरा वीडियो स्टॉप हो गया और यहाँ पर आ रहा है कि आप यहाँ पर देखिए इसको सेव कर सकते हैं। ये जो सेव वीडियो लोकली है इसको आप क्लिक करेंगे एंड आपका जो आप कहाँ पर सेव करना चाहते हैं उसको सिंपली चूज करना है। और मैं यहाँ इसको डेस्कटॉप में चूज कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर सिर्फ आपको सेव करना है। जैसे ही सेव करेंगे ये एक MP4 फाइल के तरह यहाँ पर सेव हो गया है। आप देख सकते हैं इसको हम प्ले करके दिखाते हैं। देखिए ये अभी प्ले हो रहा है। ये एक्चुअली ये वीडियो जो है MP4 फाइल में सेव होता है इसलिए ज़्यादा स्पेस भी नहीं लेता है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि कितना MB इसका हुआ है। आप देख सकते हैं सिर्फ 852 KB हुआ है। मतलब अगर आप एक घंटा भी इसको वीडियो शूटिंग करेंगे तो भी वो 1 GB से ज़्यादा नहीं होगा। तो एक बहुत ही अच्छा एडवांटेज तो ही था आज का वीडियो, जिसमें कि आपको पता चला अपने विंडो पे या अपने PC पे कैसे स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हैं। तो इसी तरह की स्मॉल स्मॉल ट्रिक्स एंड टिप्स आपको देने के लिए मैं अपने चैनल में ऐसे छोटा छोटा वीडियो छोड़ता रहता हूँ। तो आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर जाके सब्सक्राइब कीजिए एंड मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट कभी। तब तक देखते रहिए YouTube एंड मेरा चैनल ब्रेक टाइम टेक। गुड बाय एंड जय जगन्नाथ।